मैं और अम्मा जा रहे हैं आज खड़ई। खड़ई में आपको मामा के पितर मिलनी है और हम लोग आज खड़ई में दावत खाने जा रहे हैं। ठीक है, यशु को नहीं ले जा रहे हैं। यशु को आप देख सकते हैं कि यशु कैसा, देखो कैसे घूम रहा है। ये देखो यशु को। हम लोग जा रहे हैं दावत खाने, हैं? अभी तुम्हारा मंजन हो रहा है, मंजन हो रहा है तुम्हारा? हाँ, अभी हम जा रहे हैं दावत खाने। देखो ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है इधर बाहर। ये देखो गाड़ी तैयार है हमारी। यशु को नहीं हम लिए जा रहे हैं, ठीक है? यशु को नहीं ले जाना। दोस्तों मिलते हैं खड़ई गांव में। हम पहुंच चुके हैं खड़ई। आज ना भैया का, जैसा कि आप देख सकते हैं खड़ई का नज़ारा। ध्यान दे, ध्यान दे मेरे को। तो इधर देख सकते हैं खाना पीना बन रहा है। हमारा आशीष भाई आ चुका है। देखो रसगुल्ला बन रहा है भैया। आलू उबल चुके हैं। मिक्स वेज की तैयारी हो रही है। मिक्स वेज सब्जी बनेगी। लड़ाई ना करो भैया। पूरी वीडियो बर्बाद कर रही नमो भैया हो जाएगी। पूजा का इंतजाम लग रहा है। पंडित जी आ चुके हैं। अमन इधर आओ। कपड़े बदल रहा है। मोबाइल में ना घुस जाना। बोल क्या बोल था, क्या था? प्रशान की लकार, भान की आकार, हिमकर की मकार को लेकर शब्द बना राम। बंधु राम नाम रघुवर को, एक प्रशान हान हिमकर को। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, 3 ध्यातियां बराबर 27। गायत्री मंत्र में आप उच्चारण करके देख लीजिएगा, कोई बा नहीं है, सब हुआ है, पूरे हुआ मिलेंगे आपको, बा नहीं मिलेंगे। हुआ का महाराज कितना बताया, कितने अक्षर? 24 अक्षर। 24 अक्षर, 3 ध्यातियां बराबर 27। मैं अब तो उसे कर आना चाहूँ उसे कर, यहाँ से याद हुआ है भाई। हाँ सुन ले, अरे अम्मा तो उसे करी हूँ।
मैं एक सुन एक अच्छी है वो जान के बाद बताऊंगा भाई। आचार जान ले आचार के पूछ ले बैठा जा पंडित जी का छोड़ जा मैं कराए जा। आचार का मतलब यहाँ हुआ देव सुन कह अभ्यास जो होता है वो प्रचवन प्रवचन वाला होता है। कमलिया सब नहीं घुसा पर हो महाराज एक महिला जी आज ये सरकार है नीचे जिंदगी जी लेना आसान नहीं होता, बगैर संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं। एक पत्थर चोट खाकर वो तो कंकड़ कंकड़ हो गया, लेकिन एक पत्थर चोट सहकर वो शंकर शंकर। जो अमृत पीते हैं उन्हें हम आप देव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उन्हें हम आप देव कहते हैं, पर जो जहर पीते हैं उनको हम महादेव कहते हैं। हमने कहा जो अमृत पीते हैं उन्हें हम देव कहते हैं, और जो जहर पीते हैं उन्हें हम महादेव कहते हैं। कई बार हमारे जीवन की तो हसरा नदी की बाढ़ प्रबल खेलकर मुरझाया करते हैं। हैं भी ऐसे कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं, पर अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाए। 94 मैंने अपने जीवन का ऐसे विरोधाभास बना करके बोला, मैं वो हिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं, जबकि हिम माने बर्फ। जीवन का विरोधाभास, मैं वो हिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, मैं वो हिम शैल हूँ कुआं मैं नहीं हूँ, हरा स्वच्छ जल से कुआं मैं नहीं, सदा दूसरों से छला मैं गया हूँ, और भला मैं नहीं पर उन बुरों से भला हूँ, कभी बात कहकर बदलता नहीं, अगर आगे बढ़ा दो पिछलता नहीं हूँ, मैं वो हिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं। 11 से 14 तक बठंडा रहूँगा, 15 से 25 तनवारी रहूँगा, 26-27 प्रागी ताला बांदा। हेलो फ्रेंड, ये मेरा मामा का लड़का है, उसका नाम शंभू जगवाली है। आप बताएं कहाँ पर रहते हैं आप? बरसाना। बरसाने में कहाँ पर? सुदामा कुटी। सुदामा कुटी। तो आप वहाँ पर क्या काम करते हैं? मंदिर में पूजा आरती करते हैं। अच्छा, मंदिर में भागवत कथा या भागवत कथा करते हैं, मंदिर में पूजा आरती करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, श्री धाम बरसाना में रहते हैं। अच्छा, तो कभी जब आएंगे तो फिर आप लोग हमें दिखाओगे वहाँ पर? आइए, आपका स्वागत है, जानते आइए, हम आपको श्री बांके बिहारी का दर्शन कराएंगे, अपनी लाडलू जी से मिलाएंगे। अच्छा, और क्या क्या है वहाँ पे मंदिर? कौन कौन से मंदिर हैं? बहुत सारे मंदिर हैं,
वृंद गाँव है, वृंदावन है, निजीवन है, कोटवन है, मरताना है, ललता सती का मंदिर है, स्वर्ण गोविंद मंदिर है। हाँ, अपने श्री पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये उनकी गज फूल लेकर के ये बालक श्रीमद् भागवत कथा करने लगा है। श्री धाम पर इनका आशीर्वाद है जो अपने शिष्यों के राधे राधे। ये हमारी माता जी बैठी हुई है, ये हमारी बहन है, मौसी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन रहती है भाटापारा में छत्तीसगढ़ में। जीजा जी भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। पता नहीं कि हम अनान खाते कि हम अनान का खाते हैं, पता नहीं चला, नहीं मोरस खा काले भर नहीं दूध पाओ आउट ली रहा हूं भाई, मो बच्चा नहीं पर आज ट्रेन में गई आ ये बेहार कहा सो साबे चाह चाह म चलूंगा लखन दी ने फलका। खाना पीना चल रहा है, मामा के दारों की हराल प्रणाम। जो न बस मुझे लिवा के उसी कुछ नहीं है।